सज धज कर हाईवे में वॉल्वो बस की तरह कहाँ जा रही हो रुक्मिनी? अब मैं अक्कू भाई ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ। ड्राइविंग? कौन सी ड्राइविंग? ऑटो ड्राइविंग। ऑटो ड्राइविंग सीखो तो औरतों को बैंक वाले लोन देते हैं। एक बार कहा तो होता, ये ब्रह्मा खुद सिखाता है ड्राइविंग। एक बार ऐसे ही ड्राइविंग के बहाने किया हुआ तुम्हारा काम लोग भूले नहीं। धीरे से बात करो, वो सब तो कल था, अब ये ब्रह्मा डिसेंट। अभी तो शारदा ने कहा तुम कितने डिसेंट हो। बापरे, शारदा ने भी न्यूज चैनल शुरू कर दिया। तुम उसका यकीन मत करो, सब झूठ है। पर इस गांव में अगर ड्राइविंग सिखाने वाले ज्यादा बढ़ गए तो एक दिन मेरा लाइसेंस फाड़ देंगे। हेलो, हाँ कल बांट दूंगी। क्या है रे? चीटिंग के पैसे? तुझे भी पैसे बांटने हैं? भरे तो चीट फंड कब उठा सकते हैं? बताती हूँ, रुको। वो ड्राइविंग स्कूल के अक्कू भाई किस्मत वाले हैं। नंबर देख करके तो सूरत की गाड़ी लग रही है। स्टॉप स्टॉप, बाहर निकलो। आओ आओ, दूसरे गांव की गाड़ी का हमारी कॉलोनी में आना मना है, यही का बॉर्डर है। सर आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कौन से काम से आए हैं? मैं सूरत में एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हूं, राजेंद्र। शिवाजी से मिलने के लिए आया हूं। क्या काम है? वो एक पर्सनल मैटर है। बाहर के लोगों को शिवाजी से मिलना हो तो कुछ रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। पहले ब्रह्मा से, फिर मूसा भाई से मिलना पड़ता है। कौन है ये ब्रह्मा? वो मैं हूँ, खाली ब्रह्मा नहीं, ऑटो ब्रह्मा। और मूसा भाई? स्टोरी और स्क्रीन प्ले सब बाद में, पहले आप गाड़ी में बैठिए। इसमें नहीं, ऑटो में। वापस आने तक गाड़ी यहीं रहेगी, डरो मत। आओ। कुछ बोलते क्यों नहीं है? एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी वाले कह रहे हैं कि वसूल किए हुए पैसों में से 30% हमको देंगे। एडवांस आपको कम लग रहा हो तो बढ़ा देंगे। वो बात नहीं है, उससे पूछे बिना कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। आप कहोगे तो शिवाजी मान जाएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। तो शिवाजी कहाँ? सुबह से ही शेट्टी के काम से गया हुआ है। टूल्स निकालो। शेरों का टूल्स देखकर फिर बिगड़ता, पंजा मारूंगा तो कहीं कभी नहीं रहोगे तुम लोग। फालतू में लफड़ा मत करो, ये भवानी सिंह की बस है, पता है ना तुम्हें? पता है, किसी की भी हो मुझे क्या लेना देना। अब इस बस को हिलाना है तो शेट्टी की कंपनी हिलाएगी। मेरे प्यारे यात्रियों, इस बस के ओनर ने बस चलाकर कमाई करने के लिए हमारे ओनर से कुछ पैसे उधार लिए थे, और ये बात इसका ओनर बिल्कुल ही भूल गया। ये उधार बढ़ के इतना बढ़ गया कि इस बस के जितना हो गया है। अब क्या करें, हमारे ओनर को भी तो घर चलाना है ना, इसलिए इसके ओनर को क्लीनर बनाने के लिए हमारे ओनर ने कहा है। बीच सड़क में चलती बस को रोकने वाले तुम कौन हो? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर? यही तो आपकी प्रॉब्लम है। अगर कोई बीमा के नाम से लोन लेने के बाद सूद के साथ देने के वक्त ये बात भूल जाए और उसे जब लोग याद दिलाने आए और उनको डराना और धमकाना, ये कहाँ का इंसाफ है सर? देखो शिवाजी, उस्ताद को कुश्ती मत सिखाओ, ऐसे रोड शो इस राम को पसंद नहीं है, समझे? पिछले दो हफ्तों से इस बस की रिकवरी के बारे में आपके स्टेशन में आकर मेरी कंप्लेंट लिखते वक्त आपने कहा यह बस गुम गई है।
और फिर कहा कि पैसे उधार दी गई कंपनी की बस को ढूंढना चाहिए ना। पूछताछ के बाद पता चला कि बस आपके भीमा सेठ के नाम पर है। चोर से चोरी के बारे में बात करते वक्त पता होता कि आपके बड़े ऑफिसर्स को कैसे पटाना, ऐसे ही पटाने से दे दिया आपकी इस बस को सीज करने का ऑर्डर। किसी भी ऊपर वाले ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया हो तो क्या हुआ, बस को रुकवा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा बस पे कोई हाथ लगाए तुम तो क्या, कितना भी बड़ा सयाना क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पेट की भूख मिटाने के लिए उधारी वसूल करके जीने वाले हम जैसों पर गुस्सा दिखाने की बजाय माफिया से हाथ मिलाकर करोड़ों कमा रहा है आपके डिपार्टमेंट वालों के ऊपर दिखाई अपनी मर्दानगी, तब दिखाई देगी आकाश से जमीन पर गिरती हुई आपकी टोपी। चुप, तेरी तो इतनी ऊंची आवाज में मत बोल। धोबी तालाब के पुलिस स्टेशन में काम करते वक्त न्यूज रिपोर्टर को सबके सामने मारकर गायब करने वाली बात बोलो तो इन सबको बता दूं क्या। इसलिए कह रहा हूं आपके स्टेटस में और मैं मेरी जगह पे, इंस्टॉलमेंट भरने तक आपकी ये बस हमारे ओनर शेट्टी की कंपनी की कस्टडी में रहेगी। रुको रुको रुको, मेहरबानी करके आप सब इस बस में बैठ जाइए, टिकट रिफंड करने की जरूरत नहीं है। इन सबको जहाँ जहाँ उतरना है वहाँ उतारेगी तो सबको चलेगा ना। हाँ चलो आइए आइए आइए। बच्चे बस स्टार्ट कर। हाँ क्या हुआ बेटी, आपको भूख नहीं लग रही? उसको भी आने दो ना बेटी। वो तो बेस्ट पार्टी है, सुबह बाहर निकला तो किस समय घर आएगा कुछ पता नहीं। आप आइए खाना खा लीजिए। आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ, वो सूरत से नाइनेंस फाइनेंस से एक कॉन्ट्रैक्ट आया है। ऐसे काम पे तुम्हें भेजना मुझे पसंद तो नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है यहाँ की तकलीफ और गरीबी कैसी है। उस कंपनी के लोग बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मैंने सोचा तो मुझे ठीक लगा। आप सबको छोड़कर इतनी दूर जाना मुझे पसंद नहीं चाचा जी। हमारी जरूरतों को पूरा करने के पैसे हम यहीं रख के कमा सकते हैं ना। कब तक तुम इस तरह अकेले जियोगे, तुमको भी तो घर संसार की जरूरत है। तुम्हें पता है ब्रह्मा, कहीं दूर से इस गांव में आकर इसकी माँ बस गई थी। एक दिन हमारी ही दुकान के सामने गिर करके वो मर गई। माँ सो रही है या मर गई है जाने बगैर रोते हुए बैठा था यहाँ पे। इसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़ा कर बड़ा आदमी बनाना चाहा, लेकिन हम जैसे हैं ये भी वैसा ही हो गया। अगर मैं मर गया तो तेरा इस दुनिया में और कौन है? अब ये सब बातें बोलने की क्या जरूरत है? 5-6 साल या मेहनत करने के बाद जो तुम कमाओगे उतना तो तुम 1 साल में ही सूरत में कमा सकते हो। इस मौके को खोना मत। जीने के लिए जितना चाहिए उतना कमाने के बाद ये सब कुछ छोड़ के तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी के साथ जीवन बिताओ, ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मुसा भाई की इच्छा को तुम पूरा करोगे ना? मूसा भाई ने जो कहा वो सही है, शरीर में जब तक ताकत है तब तक ऐसा काम कर सकते हो। एक बार गिर गए तो मदद करने वाला भी नहीं होगा, अभी से कमाओगे नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा।
यही है, मैंने कहा था ना रविशंकर, वो प्रॉपर्टी इन्हीं की है। अब हम काम की बात करें। हाँ हाँ ठीक है। यही है वो प्रॉपर्टी जो रविशंकर बेचना चाहते हैं। करीब 4000 स्क्वायर फीट की पुरानी खानदानी हवेली है और एक 1.5 बीघा जमीन भी है। अभी इस घर में एक बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है। इस घर से जगदम्बा इंडस्ट्रियल एस्टेट जस्ट 2 किलोमीटर दूर है। देखिए यही है सूरत का फेमस बॉम्बे मार्केट, इसी के पास है हमारी प्रॉपर्टी। पोर्ट का काम पूरा होते ही सूरत सिटी देश में सबसे बिजी सिटी बन जाएगी, मतलब सबकी नजर सिर्फ सूरत पे ही होगी। सूरत एक बिजनेस पॉइंट बन जाएगा और बनता ही चला जाएगा। एक बाजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे इंडिया देखने आने वाले विदेशी टूरिस्ट की तादाद भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। हाँ, आपके हिसाब से अगर उन सब टूरिस्ट को हमारे होटल में आके रुकना है तो मुश्किल से एक गाड़ी गुजरने की चौड़ाई वाली सड़क को कम से कम 4 या 5 गाड़ी एक साथ गुजरने लायक चौड़ा तो करना ही पड़ेगा, वरना इस झोपड़पट्टी के बीच में 5-स्टार होटल का क्या फायदा। आपका अंदाजा 100% सही ही सही है, इसीलिए ये आजू बाजू के चिल्लर लोगों को हटाने के लिए मैंने कलेक्टर को खिला पिला के तैयार कर लिया है। पैसा जितना भी लगे मैं दूंगा, लेकिन काम मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, नहीं तो हमारे और आपके बीच की दोस्ती खत्म। मुझ पे यकीन कीजिए सर। चंद्रा हेलो, जितना बोला था उससे ज्यादा एडवांस दे रहा हूँ। एग्रीमेंट लिखने के 1 महीने के अंदर जायदाद मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्यों, हो जाएगा ना? हो जाएगा। चुमो ना चुकाओ है दिन जवानी के, मौज मनाओ, मजा क्या है जीने में बिन मस्ती के, दुनिया भुला दो। चुकाओ
मनाओ। मजा क्या है जीने में बिन मस्ती के, दुनिया भुला दो। ये क्या बेटी, दो दिन की टूर कहकर गई थी, हम सब घबरा गए थे, एक फोन नहीं कर सकती थी क्या? वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी दादी माँ, इसीलिए बात नहीं हो पाई। किसी एसटीडी बूथ से नहीं कर सकती थी? बताया हमने तुम्हें कितनी बार ट्राई किया। पर मैं टाइम पे आ गई हूँ ना, अब क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, ये बात बतानी थी तुम्हें लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो पाई। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, बाद में आराम से बात करेंगे, सफर से मेरी बेटी थकी होगी, जल्दी से नहाकर रेडी हो जा। बेटी और दामाद के मरने के बाद हमारे पास बची हुई जायदाद कहें तो ये सिर्फ बंगला है। बच्चों को मिलने वाली जायदाद पराये लोगों के हाथ में न लग जाए, ये सोचकर गांव की जमीन बेचकर हम लोग यहीं चले आए। सारी बात कृष्ण कुमार ने बताई, हमारी कंडीशन यही है कि लड़की खानदानी होनी चाहिए। सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे ना? हाँ। तो क्लासिकल डांस तो करती थी, तो फिर तुमने वो क्यों छोड़ दिया? मेरी माँ से ही मुझे प्रेरणा मिली, माँ के मरने के बाद मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही दिया। सबको पसंद आई है इसलिए जल्द से जल्द मुहूर्त निकालवा लीजिए। श्रावण मास में एक अच्छा मुहूर्त है, तो कोई आपको एतराज तो नहीं है ना? शॉर्ट टाइम में ही पहुंच गया ना? बैठिए बैठिए। अरे ये क्या सभी फ्रीज हो गए? चाय पीजिए, आपकी सेवा करने का मेरा भी हक है, क्या कहती हो बहन? हमारे बीच की रिलेशन क्या है जरा ये खुलकर बताओ अपने होने वाले पति को। जाने दो, मैं ही बता देता हूँ। देखो जीजा, कॉलेज के दिन से ही मेरे पिताजी के दिल में बस गई थी इसकी माँ गायत्री देवी। खूबसूरत और समझदार होने की वजह से मेरे पिताजी दीवाने हो गए, उसी का रिजल्ट है ये दोनों। अगर डिटेल में बताऊं तो इन दोनों की माँ मेरे पिताजी की रखेल थी। माइंड योर वर्ड्स। अरे शादी की बात करने आए लोगों के सामने इस तरह की बात मत करो। हमें ऐसे बुलाकर हमारा अपमान नहीं करना चाहिए था आपको। बड़ा खानदान, चलो चलते हैं, चलो जाइए। पिताजी की सारी कहानी सुनाकर उन्हें यहाँ से भगाकर अब खुश हो ना? अगर तुम्हारी कहीं शादी हो गई तो कल जवाब मांगने के लिए तुम्हारे ससुराल के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए जब तक मैं ये घर और जमीन ना बेच दूं तुमसे किसी को भी मैं शादी नहीं करने दूंगा। जल्द से जल्द आप लोग ये घर खाली कर दो। पिताजी की रखेल की बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया करके लोग कंप्लेन ना करें, इसलिए चुप हूँ। आप लोगों को किराए का मकान मिलने तक टाइम देता हूँ। इस घर पर मेरी माँ का भी हक बनता है। किस बात का हक है तुम्हारा? तेरी माँ मेरे बाप के साथ सोती थी, इस बात का? मेरी माँ के बारे में कुछ कहा ना? पापा को पढ़ाया तो क्या जायदाद तेरी माँ की हो गई? निकल जाओ नहीं तो सभी को निकाल दूंगा, इस घर से ही नहीं इस दुनिया से भी। मेरी जीते जी तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। देखता हूँ मैं। देख लेना। हेलो मैडम, शिवाजी आया है? हाँ अंदर भेज दीजिए। ओके मैडम। यही शिवाजी है?
मैं ब्रह्मा यानी ऑटो ब्रह्मा। यहाँ एसी नहीं है क्या? बड़ी गर्मी है। आपको सारी बातें राजमोहन ने बताई है ना? थोड़ी बहुत। सूरत के दूसरे फाइनेंसिंग एस्टेब्लिशमेंट के नाइनेंस फाइनेंस से मुकाबला करने के डर से और कुछ लोगों के बुरा चाहने के डर से कंपनी उठ गई है, इसीलिए कंपनी को तकलीफें शुरू हो गई। आखिर कंपनी की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर वो चले गए हैं। तभी से सभी ने लोन देना बंद कर दिया। अधिकतर लोन दिया गाड़ी की खरीदारी के लिए। करोड़ों रुपया मार्केट में फंसा हुआ है। उधार देने वालों की लिस्ट में मार्केट में केलों के व्यापारी दीनदयाल से लेकर बेनाम पे बस चलाने वाले भूपति तक सभी हैं। इसलिए यहाँ रहने वाला कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। आपके कमीशन के बारे में राजमोहन बात करेंगे। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुझे जो काम सही लगता है वो मैं करता हूँ। अगर आप मेरी शर्तों पर राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। जी जरूर, आज के बाद आप ही फैसला लेंगे। यस राजा रानी, आजा राजा आजा, आओ बाबू आओ। एक अंबानी है, एक बिल गेट्स है, एक लक्ष्मी मित्तल है। बड़ा बनने के लिए छोटा रास्ता। 10 लगाओ तो 100, 100 लगाओ तो 1000, 1000 लगाओगे तो 10000। एक गरीब बड़ा बुजुर्ग नवाब बन गया, जो खेलेगा वो अमीर बन जाएगा। कहीं भी कभी भी किसी भी जगह किसी के भी ऊपर। आओ बाबू आओ, आओ बाबू आओ। सौ सौ मैं देता हूँ। तुम बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? अब करोड़पति बनने के लिए अपनी तकदीर कोई भी आजमाओ। आओ 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10000। आओ बाबू आओ, तकदीर की देवी बुला रही है, उसको हाथ से मत जाने दो। अगर रूठ गई तो हाथ मलते रह जाओगे। लगाओगे तो माला माल हो जाओगे, नहीं लगाओगे तो कंगाल हो जाओगे। वो देखो, वो अपना रहीम ही है ना? अरे हाँ। आओ बाबू अमीर बन जाओ। ए रहीम। ए। अरे बाप रे, अरे भागो, चलो यहाँ से भागो भागो भागो। भाग रहा है रे, पकड़ इसको, पकड़ भाग रहा। अरे शिवाजी। अरे शिवाजी नहीं, ए के शिवाजी। ब्रह्मा, तुम दोनों कब आए? अभी अभी आए हैं, लेकिन तेरा ये भेष बहुत अच्छा है। अच्छा है सभी कहते हैं। इतनी अच्छी शर्ट पहनकर धूप में खड़े होकर सूरज को काला मत करो, चलो चलते हैं। कहाँ? जहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं पुलिस स्टेशन। अरे भाई ऐसा मत कर, फंसा मत। तो ठीक है चल। मैं अपने गांव में जिस ट्रस्ट के लिए वसूली करता था, एक दिन उसी ट्रस्ट के मालिक ने सारे पैसे गबन कर लिए और फिर वहाँ से मुझे भागना पड़ा, इसलिए मैं शहर आ गया। मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए 3 पत्ते का धंधा और साइड में हाउस ब्रोकर का काम करने लगा। मेरा छोड़िए, आप बताइए। वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी से हमें रहने के लिए घर दिला। घर? हाँ, अच्छे इज्जतदार की तरह रहने के लिए सही घर चाहिए, समझे? मतलब आपके रहने के लिए नहीं क्या? अरे क्यों रे, हम इज्जतदार नहीं है क्या? अरे तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे दुकान में जाओ और पैकेट में लेके आओ। ऐसे पैकेट में मिले तो हमें ऐतराज नहीं, तुम हमें घर दिला सकते हो या नहीं ये बात पता लगानी है। ये तो दारू की दुकान पे जाकर दारू मिलेगी या नहीं पूछने जैसी बात हो गई। मेरा तो काम ही यही है। तो फिर आपका रेंज कितना है? रेंज मतलब किराया कितना दे सकते हो? लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, बालकनी, भाड़े पे या लीज पे, बोलो। कुछ भी चलेगा पर घर अच्छा होना चाहिए। एक सुविधाजनक आउट हाउस है, पर लीज पे ही मिलेगा। उस बंगले में दादा और दादी, दो मक्खन जैसी लड़कियां रहती हैं। उन लोगों को थोड़ा पैसों की जरूरत है। पहले के किराएदारों का एडवांस वापस करने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए वो घर अभी भी मेरे कस्टडी में है। लीज पे लेंगे तो हर महीने भाड़े की टेंशन नहीं रहेगी ना? हाँ तो वही घर पक्का कर दो। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई भूत वगैरह है क्या उस घर में? अभी तक तो नहीं है, लेकिन तुम लोग वहाँ पैदा मत कर देना। वहाँ पर बूढ़े और जवान लड़कियाँ रहती हैं ना, इसलिए बैचलर को नहीं देते। ओनली फैमिली। एकदम से फैमिली कहाँ से बनाएंगे? डरो मत, इसका भी इलाज है। उसके लिए मुंबई सरला है ना। मुंबई कुरला क्या? मुंबई कुरला तो ट्रेन है, ये है मुंबई सरला। मुंबई सरला। तुम्हारा बैग। ओह थैंक्स।
बैग देते हुए बैग में मत घुस जा, खड़ा रह ठीक है। नमस्ते। चलो। नमस्कार। नमस्कार। इन्हें के बारे में मैंने कहा था, मेरे गांव के। कौन सा गांव? अरे वो राम बनाम रावण। राम बनाम रावण? तुम जिस गांव में पैदा हुए वो वाला गांव बताओ। अरे वही, मेरा मतलब रामपुर जिला रावणपुर गांव। अरे रवि किशन और मनोज तिवारी हमारे ही गांव के तो हैं। ठीक है। ये है ब्रह्मा, बैंक एम्प्लॉय। ये मेरी बीवी कुरला, सरला। ये शिवाजी, ब्रह्मा के भाई, बिजनेसमैन है, ज्यादातर टूर पे ही रहते हैं। आइए घर देख लीजिए। नहीं, घर की तारीफ सुनते ही इनको पसंद आ गया था। जी लीज पर हो तो दे सकते हैं। जी हाँ, रहीम ने हमें सारी बातें बता दी। दादाजी एक मिनट। क्या है बेटी? उन्हें देखकर लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। देखिए, अभी तक पुराने किराएदार का डिपॉजिट वापस तो कर नहीं पाए हैं आप। ये पार्टी 1,00,000 रुपया देने के लिए रेडी है। ऐसी पार्टी फिर से मिलना बहुत मुश्किल है। और पुराने किराएदार का डिपॉजिट वापस नहीं करोगे तो वापस आकर लफड़ा करेगा और फिर दोबारा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे मत बुलाना। हाँ मान जाओ बेटी, अभी के अभी दूसरे को ढूंढना मुश्किल है। वो आ गए। हाँ। यहाँ रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। रात को 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो क्या 8:30 बजे बंद कर लेना। और बिजली का एक ही मीटर है यहाँ पे, बिल आने के बाद आधा कर लेंगे। हाँ। और यहाँ इस घर में मेरे साथ मेरे दो जवान बेटियां भी रहती हैं। हम भी हम है ना। अगल बगल में अच्छी फैमिली रहती हैं। हम भी अच्छी फैमिली से हैं। देखो ऐसी वैसी बात ना हो बस। वो ठीक है फिर। आप जैसी अच्छी फैमिली के साथ रहना हमारा नसीब है ना, है ना ब्रह्मा भैया? क्यों ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अगर आप लोग तैयार हो तो आज ही एग्रीमेंट कर लें। ओहो, ये लीजिए आपका अमाउंट। ये लीजिए, चाहे तो आप गिन सकते हैं। एग्रीमेंट पेपर रहीम के हाथ से भिजवा दूंगा। बेटी चाबी दे दो इन्हें। अभी बताती हूँ इसे। एग्रीमेंट के हिसाब से दिया हुआ एडवांस कल तक था। कुछ दिन और चिल्लागिरी का नाटक करना हो तो बोलो, कल अलग से पेमेंट देना होगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, उसके बाद रात को लाइट ऑफ करने के बाद मुझे छूने की कोशिश की तो ओरिजिनल कैरेक्टर दिखा दूंगी। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, समझ रहे हो तुम? सुनो, कान खोल कर सुन लो तुम। हाँ, जब से यहाँ आई हूँ कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए गधे की तरह देखते हो मुझे। थोड़ा धीरे से कहो। आहा, कितना इज्जतदार है। रहीम तुम इसे लेके जाओगे क्या? नहीं, मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए अभी लेके यहाँ से चली जाओ। मैं चाहूँ तो इसे अभी निकाल सकता हूँ, लेकिन पीछे तुम्हें भी उतरना होगा। उतरना पड़ेगा क्या? उतारना नहीं, उतरना। फिर मैं रहूं या जाऊं? प्यारी सरला, थोड़ा सब्र करो। नहीं कहोगे तो रहूंगी, लेकिन मेरी क्वाटी दे दो। क्वाटी क्या? क्वाटी ओवरकोट। दो पराए मर्दों के बीच अकेली रहने जा रही है ना। तुम अंदर आओ। आओ, मैं भी जाऊं क्या? ये रहा तुम्हारे क्वाटी का क्वार्टर। अब आगे का प्रोग्राम? आज 1.5 पैग भी पीने को नहीं मिल रहा है, ऐसी 1 तारीख है। बैचलर को फैमिली मैन बनाने वाला 3 पत्ती रहीम चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अरे 3 पत्ते, जरा ये तो बताओ ये झकास आइटम तुम्हें मिला कहाँ से? वो एक लंबी कहानी है। छोटा करके बताओ। मुंबई के एक बार में सरला काम करती थी। काम बोले तो कैबरे डांसर। कैबरे बंद होते ही सूरत आ गई। एक दिन मुझसे आके टकरा गई और तभी से पहचान हो गई। रात नशीली है, आँखों में नशा है। रात
नशीली है, आँखों में नशा भी है, अगर मिलके नशीले हो जाएगा ये मेरा शबा है खिलता गुलाब। तुझे मेरा चैन खो गया, दीवाना मेरा ये दिल हो गया। ओ, तू मेरी जान है। देखा तुझे मेरा चैन खो गया, दीवाना मेरा ये दिल हो गया। चेहरा तेरा मुझको भा गया, जाना तेरा मुझ पे जादू छा गया। कैसा ये समा है, नशा ही नशा है। अभी यहां से निकल जाओ। कौन है बे? मल्ली, मल्लिका आई है। मल्लिका शेरावत हमारे रूम में क्या करने आई है? जब जरूरत होगी तो उसे बुला लेंगे। मैं मल्लिका शेरावत की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा नाम मल्लिका है। मल्लिका? ये ब्रह्मा नहीं पिया होगा। अभी यहाँ से चले जाओ। सुबह को घर लीज पे देना और रात में खाली करने को कहना। ये क्या टूरिस्ट बंगला है क्या? ये कोई नाइट क्लब नहीं है जो यहाँ पीकर धमाल कर रहे हो। बेटी मल्लिका, दादाजी आप चुप रहिए, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। संगीत टपोरी गिरी है, ये कैसा इंसाफ है? क्या हुआ? ये कौन बोला? तू कौन है पूछ रही है? सिस्टर, इस बेचारी औरत को कला मंडप की सलाह का नाच और मेरा गाना इनको टपोरी गिरी लग रहा है। कला मंडप नहीं, कला मंडलम। अरे मंदिर हो या मंडलम हो उसे क्या है? आपका नाटक यहाँ नहीं चलेगा। हाँ मैडम मल्लिका, टका टका पैसा हिसाब करके दिया है, तुम्हारे हिसाब से रहने के लिए नहीं।
एक साल का एग्रीमेंट बनाया है तो एक साल रहकर ही जाऊंगा। एक साल तो क्या, एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। क्या करोगी? तुम्हें तो नहीं बेटा, जाने दो। आके दिखाने से डर जाऊंगा। समझती क्या आपने आपको, उसकी नजरें देखी? ये मलिकानी बिल्ली है, आधी रात को घर घर में घूम कर काली बिल्ली, ये क्या स्कूल चलाती है क्या? चल चल चलो अंदर चलो। सॉरी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है वो? मल्लिका के लोग आए होंगे। हाँ। तेरी बॉडी देखकर बेहोश हो जाएंगे। मैं दरवाजा खोलता हूँ। देखो यहाँ एक साल निकालना है ना, इनको अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये सर पर भजिया तलेंगे। इनका बीपी थोड़ा ज्यादा लगता है, कुछ भी हो सकता है। जाकर खोलो, स्टील बॉडी देखा तो दिल दीवाना हो जाएगा। सही में उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? बड़ा आया जी वाला। सरला गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आओ बाहर आओ। तेरा नाम क्या है? मुजीब रहमान। कौन है वो? मेरी बहन सरला। हैं? रहीम की बहन सरला। भाई बहन के बीच अच्छा प्यार मोहब्बत चल रहा है। सर ये मेरे दोस्त की बीवी है। दोस्त की बीवी मेरी सगी बहन जैसी हुई ना। बहन के जैसी बहन तो नहीं है ना। चल बाहर निकल। सच बता कौन है ये? मुंबई, मुंबई में बार डांसर थी, अब भाड़े की बीवी का काम करती है। भाड़े की कार मिलती है पता है, भाड़े की वाइफ। अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ तेरा क्या काम है? वो घर रेंट पे लेने के लिए, बीवी का नाटक करने के लिए पैसे देकर मुझे लेके आए हैं। पैसे दिए तो तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तेरे ग्रुप में और कौन कौन है, कितनी बहनें? मैं एक मासूम ब्रोकर हूँ सर। तेरी वाइफ को भाड़े पे भेजा ना, तभी समझ गया। नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, मेरा रियल इस्टेट का काम है। रियली? रियली नहीं सर, रियल इस्टेट। फिर से मजाक कर रहा तू? सर इन लोगों ने घर लीज पे लिया है। हाथ नीचे करो। अंदर क्या कुआ खोद रहे थे? एक्सरसाइज कर रहा था सर। एक्सरसाइज? यहाँ की औरतों को रेड लाइट एरिया भेजना चाहते हो क्या? सेक्शन इमोरल ट्रैफिक है। यहाँ क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। नहीं ये झूठ बोल रहा है, कल इसने कहा था कि ये बिजनेसमैन है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। केस को बहुत उपयोग मिला आपके वैल्यूएबल पॉइंट से। आपका नाम? मल्लिका। ओ मल्लिका, आपने कंप्लेंट किया है ना? मेरा नाम श्रीनिवास, SI श्रीनिवास। ये देखो शिवाजी, कॉन्ट्रैक्टर कम बिजनेसमैन। कॉन्ट्रैक्टर कम बिजनेसमैन नहीं, फिर चिल्लर का काम है देना और दियो को वसूल करना, ऐसा छोटा कॉन्ट्रैक्टर। ओहो कोटेशन बिजनेस, ऐसा भी बोल सकते हो हिंदी में। मेरे सामने ओवर स्मार्ट मत बनो। आई वोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ गुंडागिरी। क्या देख रहे हो, सबको जीप में चढ़ाओ। सर मैं और ये नहा कराते हैं पानी। तुम्हें लॉकअप में मैं नहला दूंगा, चलो जीप में। सर क्या 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 बताओ। केस नहीं करना है इन्हें, बस यहाँ से निकालना है। वो तुम्हें कुछ करेंगे सोच कर क्या? वो क्या है ना सर, अगर हमने केस किया तो कोर्ट में गवाही के लिए आना जाना पड़ेगा और फिर देखने वाले कुछ और ही समझेंगे। अब भी खड़े क्यों? देख क्या रहे हो? तंबू बंबू लेकर चलते बनो। ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस घर का एक साल का एग्रीमेंट है, लीज पे लिया है, हम एक साल तक घर खाली नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है। अगर घर के मालिक को पसंद ना हो तो एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है ना? एक काम करो, उनके पैसे उन्हें दे दीजिए। पैसे अभी तो नहीं है, कुछ दिनों की मोहलत दिला दीजिए। ऐसे कहेंगे तो नहीं चलेगा, पैसे देंगे तो हम चले जाएंगे। हजार तो हजार नहीं है, लाख रुपया है। जब तक वो पैसे अरेंज करते हैं तुम कहीं और एडजस्ट कर लो। हाँ तो एक काम कीजिए आप, आप अपने बीवी बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन में शिफ्ट हो जाइए और हम लोग आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शट अप। आप डरो मत, इनसे मैं डील करूंगा। इसे देखते मुझे शक हो गया। खुलिएगा नहीं। चलो चलो यहाँ से। सर क्या क्या कहो? कांस्टेबल अंबिका के प्रेग्नेंट होने के जिम्मेदार आप हैं। आपकी बीवी को फोन पर ये बताकर स्टेशन आ जाऊं तो आपको चलेगा ना? अंबिका तुम कैसे जानते हो? अंबिका को भी मैंने ही दिलवाया था। तो फिर जैसा कहा था
इनका एडवांस अरेंज होने तक यहीं रहने दीजिए। कहाँ जाएंगे बेचारे, मेरी इज्जत मत निकालो। कम ऑन। रामपुर से लोड कब आएगा? शाम तक आ जाएगा। क्या साधारण, तुम खड़े हो या चल रहे हो? कोटी भाई से ही शान पटी कर रहे हो? कौन है? देखो अपना ट्रांसपोर्ट ऑफिस से। हाँ एक चाय दे, एक एक्स्ट्रा ग्लास भी देना। क्या हुआ फूल सिंह, हैं? हमारे 8-10 ट्रक एक हफ्ते से शेड में ही खड़े हैं। संभालना नहीं आता तो मुझे बता दो, मैनेजर की कुर्सी पे मैं किसी अच्छे और तेज लड़के को ला करके बिठा देता हूँ। ए चंद्रा, तुम बदलापुर वालों के पुराने हिसाब लेकर आओ। सीतापुर से बादल सिंह के आदमी हो ना? नहीं, मैं शिवाजी फाइनेंस कंपनी से आया हूँ। आपने फाइनेंस में लिए हुए 8 ट्रकों के इंस्टॉलमेंट आपने अभी तक नहीं भरे हैं, इसका क्या कारण है? बिजनेस में बिजी होने के कारण भूल गए हैं क्या? फाइनेंस फाइनेंस, दिवाला निकले हुए इस कंपनी को कौन इंस्टॉलमेंट बांटेगा? आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ। क्या रे मिला साहब? छोटा भाई, अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट भर दे तो हमारी नैनंस फाइनेंस कंपनी बच सकती है। मुझे समझा के टाइम वेस्ट मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ भाई। यूज रहे गाड़ियों को सीज करने का कंपनी ने फैसला किया है, थोड़ी थोड़ी उधारी चुकाना तो हर बिजनेस की पॉलिसी है ना। 10 साल की उम्र में मैं गांव को छोड़कर यहाँ आया था सूरत की मार्केट में, और गिरी हुई तरकारी को चुनकर उसको बेच के व्यापार सीखा है मैंने। और तुम मुझे व्यापार मत सिखाओ। आपके ट्रक अब भी नेशनल हाईवे पे ही चलते रहते हैं ना? तुमसे डरकर अगर मुझे अपना ट्रक शेड में छुपाना पड़े तो मेरे मरे बाप को फिर से पैदा होना पड़े। बेचारे को क्यों फिर पैदा करा रहे हो? मेरा बैकग्राउंड बिना जाने मुझसे बात कर रहे हो? अरे बस कर, तेरे जैसे बहुत बैकग्राउंड वाले देखे हैं मैंने। तो फिर दम वाले मर्द का चैलेंज कैसे होता मैं बताता हूँ, जो होने वाला है उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। बहुत तेरे डायलॉग सुन लिए मैंने, अब बस कर दे तू। तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। नमस्कार, बीपी की दवाई मंगा लेना। बीपी की दवाई मंगा के रखना। हेलो, कोटा ट्रांसपोर्ट कंपनी। मेरा नाम मारु सेठ है। आपके ट्रक अगर खाली हो तो 8 ट्रक आम मुंबई भिजवाने हैं। ठीक है सर, कहाँ भिजवाने हैं? बाईपास के पास पे एंड पार्क के पास आए तो वहाँ लोड करेंगे सारे आम। ओके, अभी भिजवा रहा हूँ। सभी ड्राइवर लोग अपनी चाबियां लेकर के आओ, ताले लेकर के आओ, उनकी पूजा करूंगा, सब कुछ अच्छा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो, लगता है आपको भगवान पे बहुत भरोसा है। भरोसा नहीं करोगे? अरे भरोसा वाला कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा, मतलब यकीन करने वाला भी यकीन करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे तो मेरा यकीन कैसे होगा? है हाँ, बिल्कुल सच है। मैं नहाया नहीं हूँ, मैं मंदिर आ सकता हूँ क्या? वो हमको मालूम है, आपको चाबियां लेकर मंदिर जाने की तकलीफ क्यों? स्वामी जी यहाँ पर खुद आएंगे। स्वामी जी खुद? वही तो भगवान की लीला है, सब उन्हीं का माया जाल है। सभी लोग चाबियां इस थाली में डालो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सभी हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 7 पहाड़ों वाले वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। ये चाबियां कहाँ डालनी है प्रभु? हाँ इन सबको बैग में डाल वर्मा जी।
तुम ये क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं पूजा। लॉन्ग ट्रिप पर जाने से पहले ऐसा करवाना जरूरी है। अब बुलाइए। अब हर हर की जरूरत नहीं है, ये ट्रक की सभी चाबियां हमारे पास हैं। हर हर महादेव, चलो चलो। सूरत के मार्केट में तरकारी चुनकर खाने वाले से कहो नैनन फाइनेंस की उधारी के ट्रकों को पूजा में रखाया जाओ। बोलो, गेट बंद करो ब्रह्मा। बोलो राइट। मेरी 8 नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को उस चोर साले ने पकड़ लिया है। उन गाड़ियों को यहाँ पे लाना होगा। तेरे से होगा क्या? नहीं होता तो अभी बता दे। जानवरों का खून चूसने वाले अजगर जैसे लड़कों को बिहार से बुला के उसकी हड्डियों को तोड़वा सकता हूँ मैं, लेकिन बाद में तुम देखना, तुम सूरत में गटर साफ करने के लायक भी नहीं रह पाओगे। ऐसा चाहते हो क्या तुम? अब उनके रहते हुए किसी की जरूरत नहीं है। आपके जब्त किए हुए ट्रक आपको जल्दी मिल जाएंगे। यकीन करूं? 100% मारना का पोस्टमार्टम करके आएगा सुलेमान। मार्केट में धंधा करने वाले बेचारे ब्याज पर पैसा लेकर धंधा कर रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ फाइट करेंगे तो उनके पेट पर लात मारने जैसा हो जाएगा, इसलिए फाइट यहाँ प्लान किया है। कैसा है लोकेशन? वैसे हमेशा ऐसी लोकेशन में सॉन्ग शूटिंग करते हैं। कुछ भी हो, तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। कोटी भाई ने कहा है कि तेरी हड्डियाँ तोड़ दो। कोटा भाई के आदमी हो तो बिना टाइम वेस्ट किए वो फाइट स्टार्ट करते हैं। मार्केट से लाते समय ये नहीं सोचा था कि इतनी बातें होंगी। अरे सुलेमान, तुझे कुंफू आती है तो मैं दिखाता हूं तुझे देसी फटका। Ah! 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 Ah!
मैंने पहले ही कहा था बिहार से लड़कों को बुलवा लेता हूँ, शर्म नहीं आती मार खा के आए। इस बेवकूफ की तरह तुमने अगर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की सोची तो। नहीं मेरी बात समझिए, मैंने उन्हें निकाल दिया है, लोग ऐसी बात ना कहें इसलिए मैंने उनको टाइम दिया है। हाँ तुम बहुत दिनों से यही कह रहे हो, तेरे बाप ने उन्हें ज्यादा लिख के नहीं दी ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन उन लोगों ने केस फाइल किया तो डीएनए टेस्ट हियरिंग्स वगैरह कहकर केस पूरा होने तक सालों बीत जाएंगे। सरकारी उठाए हुए इन हाथों से पैसे मैंने गिन के दिए हैं तो उसे वसूल करना भी मुझे आता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं उन्हें वहां से निकालता हूँ। कब तक? मैक्सिमम एक हफ्ता। जबान दिया है तो जबान पर अमल करने वाला है कोटी, अगर फिसली तो। सगी बहन नहीं हुई तो क्या हुआ, अपनी बहन को घर से बाहर निकाला। माँ के रूप के साथ रंगढंग भी आए हैं इसलिए फुटपाथ पर रहने की नौबत नहीं आएगी। जिस छुपाए बिना थोड़ा मेहनत करोगी तो जितना चाहोगी कमा सकती है। क्यों बहना? ज्यादा बकबक की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो इसकी बातों में आके यहीं रहने का सोचा तो सोते खटिया के साथ उठाकर सूरत के समुन्द्र में डुबो दूंगा। तुम जिस बाप के बेटे हो ना उसी बाप की हम बेटियां हैं। तुम्हारे डराने से डरकर गिड़गिड़ाकर रोने वाली और लड़कियां होंगी, हमें कुछ कम मत समझना समझे बेटी। मान मर्यादा के साथ यहाँ से जाने के लिए आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे तो इस बार अकेला नहीं आऊंगा, वो याद रखना। कौन है वो नया कैरेक्टर? नए किराएदार हैं। ए, इधर आना। खूबसूरत लड़कियों के घर के पास घर भाड़े पर लेने से तुम लोगों को बहुत सारे फायदे हैं। एक बात और, ये लोग रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं, लेकिन कनेक्शन कुछ दूसरा है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालने जा रहा हूँ, इनके साथ तुम्हें भी, मेरे अनुमति के बिना मेरा घर भाड़े पर लेने के लिए। डरो मत, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम यहाँ नहीं दिखने चाहिए। अच्छा तो ये बात है, ओरिजिनल हाउस ओनर। अरे जरा रुकिए, ये क्या मैडम, ऐसे बिना कुछ बोले हुए चली जा रही हैं आप तो? हमारे घर खाली करने से पहले आपको करना पड़ेगा। ये हमारा आपसी मामला है और इसमें तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पिता का घर छोड़ के तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जायदाद पर अधिकार जताने वहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हारे पिता ने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा था, तुम्हारी माँ से उन्हें बहुत प्यार था। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ कॉलेज के दिनों में मिले थे, घर वाले राजी नहीं थे, जायदाद किसी और को मिल जाएगी ये सोचकर जबरदस्ती तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी करवाई गई थी। हमारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारी माँ को भुला नहीं पाए थे, फिर मिल गए थे। आखिर तुम्हारे पैदा होने के बाद दिल की सारी बातें मुझे साफ बताई थी, मुझे उन पर गर्व हो गया था। सच में तुम्हारे नाम जायदाद करने के लिए मैंने जिद की थी। उस दिन से मरने तक तुम्हारे घर की सभी बातें वो मुझे बताया करते थे। उनके गुजरने के बाद ही तुम्हारी माँ भी चल बसी, इतनी पवित्र थी। उन दोनों की अमर मोहब्बत, सच कहती हूँ वो घर तुम्हें किसी को बेचना हो तो मेरी भी जरूरत नहीं, तुम्हारे सिवा उस पर किसी का अधिकार नहीं। ए, रुक रुक। ए, रुको। सुनो उतरो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों खींच रहे हो? ऑटो का इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं चुकाया है तुमने, समझे? कब तक भर रहे हो पैसा, जल्दी बताओ। हाँ शाम होते ही बिना बोले पैसे भेज दूंगा, तकलीफ मत दो, ऑटो में पैसेंजर है। शिवाजी ऑटो में पैसेंजर क्या करें? पैसेंजर को लोन वोन से क्या मतलब है, अब इसे थोड़े दिन चलाने वाला हूँ, तुम इंस्टॉलमेंट भरने के बाद ही चलाना, पैसेंजर को उतारो। जल्दी से पैसेंजर को छोड़कर तुम ऑफिस में आ जाओ, ब्रह्मा तुम साथ में जाओ। जरूरत नहीं, ये लो
जिन लोगों में संस्कार नहीं है उनके साथ जाना मुझे पसंद नहीं। ऑटो गाड़ी लेकर जाओ। नहीं ऑफिस में लेकर जाओ। हाँ चलो। मालिका गेट को ताला लगा दूंगी। बेटी इतनी कठोर मत बनो, उन्हें माफ भी कर दो बेटी। नहीं ये उन लोगों की आदत सी बन गई है। हमने पहले ही उनसे कंडीशन रखी थी कि रोजाना 9 बजे गेट बंद कर देंगे। ये बात तो याद है ना आपको, रोजाना दारू पीकर घर में आते हैं। घर में किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं। अगर कुछ कहो तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखते हैं। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जान बुझ कर देर से नहीं आते होंगे, कुछ काम होता होगा। अरे वाह, वो देर से आने वाले ये फोन पर बताया था क्या? नहीं मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था। आप ज्यादा मत सोचिए, वो कैसे लोग हैं ये सोचे बगैर ही आपने उन्हें घर दे दिया। मैंने मना किया था ना, कहा था मत दो, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम जैसी समझ रही हो उतने खराब लोग नहीं है। ओह अब तुम ही बोलने के लिए बाकी रह गई थी क्या? बोलो बोलो। सुनो बड़ों के बीच में मत बोला करो, पढ़ाई में इतनी भी तमीज नहीं सिखाई जाती है क्या तुम्हें? अरे बेटी अगर अभी गेट बंद कर देंगे तो वो लोग आएंगे तो कौन खोलेगा? वो जब आए तब गेट खोलो, जब जाए तब गेट बंद करो। यहाँ कोई गेट कीपर नहीं रखा है आपने। मल्लिका मल्लिका अरे मेरी बात तो सुनो बेटी। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। बेटी मेरी बात सुनो बेटी। दादी मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी मल्लिका मैं कह रही हूँ ना मेरी बात तो सुन बेटी। ये दादी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। नहीं बेटी प्लीज मेरी बात तो सुनो। ब्रह्मा भाई वो मल्लिका शैतान ने गेट को ताला लगा दिया। गेट से अगर कूदे तो अभी कोई नहीं सोया होगा। हम क्यों लफड़ा करने वाले बने? शेर को बिल्ली से डर लगता है। ब्रह्मा भाई और हर महादेव बॉर्डर पार करेंगे। ओके हमारा नसीब किसी ने हमें देखा नहीं। किसी ने तो देखा है। तेरी सुषमा देख रही होगी। उठ जा। ये सड़ा हुआ गेट और ये सड़ा हुआ ताला तोड़ के फेंक दे इसको। चल मैं फेंकूंगा तो चौके मारेगी, तुम फेंकोगे तो विकेट टूटेगा। ये रहा उसका सड़ा हुआ ताला, ये देखो। रुको 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 जी जी जी, ऐसे क्या ही बॉलिंग करते हैं। ठीक है मैं फेंकूंगा। हॉस्पिटल से मल्लिका शेरनी के वापस आने से पहले उठ चलते हैं। चलो उठो जल्दी चलो। तुम ऐसे आर्ट फिल्म के हीरो की तरह बहुत देर तक बिना बात किए लेटे रहे तो 12:30 वाली आखिरी बस भी छूट जाएगी। चलो उठो जल्दी यार। ये क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं एक बार हॉस्पिटल जाऊं तो कैसा रहेगा? बेस्ट आइडिया। सॉरी मांगने के लिए जल्दी से जाओ इससे पहले कि उसे होश आए और वो पुलिस में कंप्लेन लिखाए। समझ गए मेरी बात? तुम एडवांस दिए हुए पैसे गए हमारी जान बचाने के लिए। उठो भाग जाना है, कलमंदी है, लगता है पुलिस आ गई। पुलिस को आता हो तुमने देखा क्या? खाकी कपड़ों की खराब बास। मैं काशी चला गया, घर में नहीं हूं। मल्लिका कैसी है? आज सुबह ही होश में आई है। वो मैंने तुमने जानबूझ के नहीं किया मुझे पता है, लेकिन कितना भी कहो वो यकीन नहीं करती। एक ही बात कह रही है, मुझे गलत मत समझना, मल्लिका के हॉस्पिटल से आने से पहले आप लोग इस घर को
खाली करके चले जाओ, नहीं तो उसके आने के बाद क्या होगा बता नहीं सकती। वो बहुत जिद्दी लड़की है। बेटे, तुम्हारे दिए हुए एडवांस पैसों से हमारी उधारी चुकी है। पैसे वापस देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसे बेचकर अपने पैसे ले लो। मल्लिका के माँ के गहने हैं, उसकी शादी के लिए रखे थे। ये गहने पहनाकर उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। बेटे, तुम्हें देने के लिए बस यही है। बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझसे या मेरी पोती से गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो, माफ कर दो। जा रहा हूं ये कहने के लिए आया था। मल्लिका की शादी के रखे हुए गहने बेचने की जरूरत नहीं, मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में बताने वाला सिखाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा हूं। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अब आप लोगों को और तकलीफ देकर मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं। रहीम सिटी में एक लॉज का इंतजाम करने गए, वो लॉज का इंतजाम होते ही हम कल चले जाएंगे। फिर भी इतनी बड़ी रकम वापस लिए बिना? इससे पहले वालों की तरह पैसों के लिए आकर मैं लफड़ा नहीं करूंगा। आप कभी भी दे दीजिएगा, आता हूं। शिवाजी, ये लो अचार। कहाँ है? उफ, मेरा जीवन अमृत। शिवाजी, एडवांस दिए हुए 1,00,000 रुपए वापस लिए बिना ही हम यहाँ से वापस जा रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल बेवकूफी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना पैसा वसूलने के लिए हमें ही कोई नया किरायेदार ढूंढ करके लाना पड़ेगा? ए, वो लोग धोखा देने वाले नहीं लगते। हाँ। पैसे मिलेंगे तो दे देंगे। छोड़ो। मासूम लोगों पे जोर आजमाने को मर्दानगी नहीं कहते, समझे क्या? एक और कदम आगे रखा तो? रखा तो? रख के तो देख।
कि बाप का नाम लेकर जायदाद के चक्कर में फिर कभी इस घर में कदम रखा तो इतने टुकड़े करूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। सामान लेकर चले जाना यार, लेकिन अब यहां से जाना अच्छा नहीं है। अब से असली खेल शुरू होगा, खूब धूम मचाऊंगा। जाइए और जल्दी वापस आइए। मैंने उसी दिन कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी वाला बिजनेस है तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। उस घर के लिए दिया हुआ एडवांस जब तू गिन रहा था तब तूने मुझे एक जबान दी थी। क्या है? दो तीन औरतों को घर से निकाल नहीं सकता और मर्द बन के घूमता है तू। कुछ भी हो, तेरे बाप की नाजायज लड़कियां ना बड़ी खिलाड़ी लड़कियां हैं। मुझे एक बार उनसे मिलवा दे, मिलना चाहता हूँ। याद रखने के लिए वो बच्चे कुछ करवाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ए चंद्रा, वो कोई क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ। हाँ वही, तेरी सौतेली माँ के प्यारे बच्चों से मिलकर मैं एक बार उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। भाई वो फिर क्या है कि क्या बहन के सामने इज्जत जाते ही कदम लड़खड़ाने लग गए। एक बात याद रखो, किसी को कुछ भी हो जाए मेरा काम हो जाना चाहिए। 10,000 नहीं, लाखों रुपए खर्च किए मैंने तुम पे। व्यापार पक्का सही समय पे हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा नाम कमल सिंह है, कोटी भाई कहके सब बुलाते हैं। मार्केट में बिजनेस है, तरकारी सब्जियां बेचता हूँ, चिल्लर भी बेचता हूँ मैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ। कुल मिला के ऐसे ही चलता रहता है मेरा। ये सब हमसे क्यों कह रहे हैं? लड़की हो तो आप जैसी हो, मैं भी आपके जैसा हूँ। सीधे आओ सीधे जाओ। अब मैं असली बात आपको खुलकर बताता हूँ। इनके भाई रविशंकर ने घर इस जमीन मेरे पास बेचने के लिए रखी है। एग्रीमेंट का टाइम भी अब जल्दी खत्म होने वाला है। आपका भाई कहेगा तो भी आप नहीं सुनेंगी, इसलिए आपके दर्शन करके आपको तकलीफ बताने के लिए आया हूं। हाँ, सारा पैसा गवाकर एक पागल कुत्ते को खरीद लिया, ऐसा हाल है मेरा। पर उस कुत्ते को जहर मिलाकर मारना ही मेरी स्टाइल है। कोई भी पेपर लाकर आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ऐसे मुंह पे तमाचा मारने की तरह बोलने की क्या जरूरत है? देखो एक बात मैं बताता हूँ, समझौता सभी के लिए अच्छा होगा। अगर नहीं हुआ तो गुंडों से अपने भाई को पिटवाने की तरह मुझे डराना चाहा तो तुम सबको उल्टा टांग के रख दूंगा इस घर के अंदर, समझ गए ना तुम लोग? अब मैं घर में तभी पैर रखूंगा जब इस घर का ओनर बन के आऊंगा, समझी ना? हमें फिर से मिलने की नौबत ना आए ऐसा काम करना।
छोटा भाई। गरीब के घर पर आकर ऐसे ही चुपचाप चले जाओगे भाई? एक कप कॉफी तो पी के जाओ ना भाई। ये फालतू बातें बंद करो तुम। मैं बहुत तरह की कॉफी पी के बड़ा हुआ हूँ, तुम अभी कॉफी तक ही सीमित हो। तो इनके पीछे तुम हो? पीछे से नहीं हो खोटा भाई, अब आगे से हूँ। कहाँ से क्या बात करनी है अभी तक पता नहीं था। कोई सुन लेगा तो चार लोग बातें करेंगे। मैंने तुम्हें पाठ सिखाया तो तुम घूमकर मुझे पाठ सिखाने जा रहे हो? हमें पाठ पढ़ाने के लिए सामने वाले के सोचने से पहले हम उसे क्या सिखाना है अच्छी तरह सिखा देते हैं। यहाँ आने से पहले मूसा भाई ने मुझे यही सिखाया था, तो क्या मैं उनकी बात पर अमल नहीं कर सकता है क्या? मूसा भाई, तेरी हिम्मत का कारण मैं समझ गया, लेकिन तलवारों को बंदूकों को नहीं समझ में आता। इतनी छोटी सी उम्र में उबर जाएगा? ये देखो, मेरी आयु 80 से ऊपर है, तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। अभी तुम्हें ऊपर पार्सल कर सकता हूँ, इस बार माफ किया। पता चला क्या बेटे? ये घर बेचने के लिए रवि ने कोटा भाई से इतना रुपया एडवांस ले रखा है कि अगर सही समय पर घर की रजिस्ट्री करके ना दी तो वो चुप नहीं रहेगा। जिस डाल पर बैठा है उसी को काटने की कोशिश कर रहा है रविशंकर। इस जायदाद पे हमारा हक है ये कहने से कुछ नहीं होगा, वो इसे बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। भगवान को ही मालूम है आगे क्या क्या अनर्थ होने वाला है, हमें कौन बचाएगा इनसे? ऐसे क्यों सोचती हैं आप? आपके सुख दुख का साथी बनने का मौका मिला है मुझे, मुझे परिवार का सदस्य समझिए। अब घर के आसपास भी रविशंकर दिखाई नहीं देगा। हमें बिना मतलब कोई लफड़ा नहीं करना है, वो किसी की इज्जत नहीं करता, बहुत जिद्दी इंसान है वो किसी की बात नहीं सुनने वाला है बेवकूफ रविशंकर। यहाँ पर कोर्ट कचहरी तो होगी ही ना, अगर हम उस रास्ते से जाएं तो कैसा रहेगा? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, सभी लोग आपस में सोचकर एक फैसला ले लीजिए। मेरे हाथों से जितनी मदद होगी मैं करूंगा। मैं आ रहा हूं ना। मे आई कम इन सर? यस। Okay, don't worry. I will be there within 15 minutes. Right? Good morning, sir. Good morning. बैठिए। Yes, कहिए। Sir, 20 साल पहले मेरी माँ को एक घर मिला था, हम वहीं पर रहते हैं। अब वो घर हमारा एक रिलेटिव जबरदस्ती से अपनी मर्जी से बेचना चाहता है। इस मामले में हमको दो बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। रिलेटिव कहे तो? वो सच कहूँ तो मेरे पिताजी की दो बीवियाँ थीं, वो पहली बीवी का बेटा है, वही घर बेचना चाहता है। अच्छा, तो भाई बहन के बीच जायदाद का लफड़ा है। ठीक है ठीक है, FIR करा दीजिए, सारी प्रॉब्लम मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। क्या हुआ? नए असिस्टेंट कमिश्नर ने कंप्लेन देने को कहा है। यहाँ क्यों आए हो? सर, ये मेरे साथ आए हैं। ऐसे आदमी का प्रोटेक्शन काफी नहीं है क्या? हमारे पास क्यों आई हो? सर, इसके बारे में तुम जानती हो कौन है? मेरा बैकग्राउंड बताने के लिए नहीं, इनका बैकग्राउंड बताने के लिए आए हैं। कानून के हिसाब से आपने एक्शन नहीं लिया तो इनको जैसी मदद चाहिए मैं दूंगा। सुन, ये तेरा एरिया नहीं है, अपनी कॉलोनी में जो भाईगिरी दिखाता है अगर यहाँ दिखाई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी मैं। पहले इन अच्छे लोगों को सॉलिड सपोर्ट दिलवाओ, फिर हम दोनों मैदान में उतरेंगे। पूरी साले,
अगर मैं तुम्हें इसी वक्त पकड़ के लॉकअप में डाल दूं, तो कोई हरामी साला मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये समझ के चलेगा तो फायदे में रहेगा। अब मैं वो पुराना सीआई रामकृष्णा नहीं हूं, इस सिटी में राज करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर रामकृष्ण बोल रहा हूं। बच के रहना जरा। देखो, रास्ते में मारपीट करने वाले इन टपोरी सालों के साथ अगर तुम घूमोगे तो आधी रात को पुलिस कभी भी तेरे घर पर भी रेड कर सकती है, समझे? रविशंकर के खिलाफ वो कंप्लेन दे सकती है, पीछे वो चोर साला शिवाजी। पढ़ाई करने की उम्र में भूखे पेट पे टावल बांध के वहां से जब मैंने मार्केट में कदम रखा तभी फैसला कर लिया। भूख के सामने ही नहीं, किसी के भी सामने सर नहीं झुकाएगा ये कोठी। उस दिन से मैंने अपने बाप के सामने भी सर नहीं झुकाया तो ये किस खेत की मूली है? हाँ भाई, गुस्से से लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता। मलिका जब कंप्लेंट ने आई थी उस वक्त हमने अपने अप्रोच से केस रजिस्टर किए बिना उसे भेजकर ठीक नहीं किया। अगर वो महिला सुरक्षा विभाग के पास जाकर कंप्लेंट करेगी तो सब फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास एक ही रास्ता है, दुश्मन को दोस्त बनाना हो तो उसकी चाल पूरी तरह समझनी चाहिए। क्या कहना चाहते? मेरा मतलब है शिवाजी को हमारे साथ शामिल करना ही होगा। वकील का कहना सही है लेकिन उसे हमारे ग्रुप में लाना जमेगा नहीं। एक टाइम पे सारे शहर को हिलाकर रखने वाले मूसा भाई ने उसे पाला है, अगर वो कहे तो। हमारी हालत तुम्हें पता है ना कोटी, उसे आने दो, सोचेंगे। रिश्तेदार कहने के लिए ये लड़की एक ही है ना? हाँ, नसीमा के मरने के बाद दूसरी शादी करो कितने लोगों ने कहा। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो ना करने का फैसला। कोटी, तुम्हें पता है ना? अच्छी तरह से। हम दोनों ने एक ही एरिया में भाईगिरी शुरू की थी, बीच में ही मैंने रास्ता बदल के धंधा व्यापार में लग गया। मूसा भाई वैसे के वैसे ही रह गए, बिजनेस करके मैं थोड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो मैं भी मूसा भाई की तरह ही रहने वाला था। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। तुम छोटे बच्चे हो, दिमाग हिम्मत जिगर बहुत ज्यादा है, तुम चाहो तो मेरे से भी बहुत आगे जा सकते हो। मूसा भाई से मैंने सारी बातें कह दी है और उन्होंने हाँ भी कर दी। समझा नहीं। सही बात बताता हूँ, वो घर के मामले में अब तुम कुछ मत करना है, बदले में मैं तुम्हें एक हिस्सा भी दूंगा। अपने से ताकतवर विरोधी समझकर कॉम्प्रोमाइज करने वाले बेकार गुंडों की लिस्ट में मुझे मत रखना। पहले तुम उस घर की डीलिंग से हटो और उसके बाद हम बाकी बातों पर बात करेंगे। देखो मूसा भाई, आपकी बेटी की शादी करने के लिए और आपको खुशी से जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। आप यहां से जा सकते हैं। मूसा भाई, ये आपका घर डुबाने के लिए आया है, चलता हूं, मिलते हैं। सर मेरे हाँ, काम हाँ, की बात देखेंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। सर, हम फाइनेंस कंपनी से आए हैं ये गाड़ी ले जाने के लिए। कितनी बार कहा कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, इसलिए गाड़ी जब्त करने का हमें ऑर्डर मिला है। ए, कौन है बताया तुम्हें? हमारे पार्टी केंद्र के जॉइंट सेक्रेटरी आईएसीसी प्रेसिडेंट हैं, समझे? आईएसीसी नहीं, गाड़ी की सीसी का बोल रहे हैं। एक साल से इंस्टॉलमेंट नहीं भरा ना। इन्वेस्ट फाइनेंस के बारे में बीच रास्ते में बात मत करो,
केंद्र की कमेटी खत्म होने के बाद उसके बारे में क्या करना है सोचकर बताता हूँ। अभी यहाँ से अपनी बाइक हटाओ। केंद्र में हम सभी का जॉइंट व्यापार है, सूरत में ये सब नहीं चलेगा। कुछ भी हो गाड़ी लेकर ही जाएंगे। तुम मुझे राजनीति सिखाओगे? गुंडागिरी, खून खराबा, ये सब करके ही तो ये खादी पहन कर घूम रहा हूँ मैं। उजाले से कड़क प्रेस करके खाकी पहनकर महात्मा गांधी का नाम लेकर एसी कॉलेज में घूमने वाले राजनीतिक नेताओं के बारे में वोट करने वाले जानते हैं, लेकिन खरीदी हुई गाड़ी का पैसा नहीं भरा तो हमारे सीसी वाले क्या करते हैं आपको बताना पड़ेगा। जॉइंट सेक्रेटरी है वो नहीं देखूंगा, सारे जॉइंट तोड़ दूंगा। अबे क्या कर लेगा हम सबके होते हुए। ए ब्रोकर शंभुआ, तुम्हें स्ट्राइक के समय आरटीसी बस का टायर फाड़ना ही आता है, मुझे पेट फाड़ना भी आता है। आतड़ी को तोड़ के वायरिंग बदल दूंगा। तुम कार्यकर्ता हो, आप पार्टी नाश्ते करता हो। वहीं रुक जाओ। एक समय लेके के भूपति की गाड़ी की चाबी। एमडी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो तुमने नहीं सोचा वहां पहुंचना, वही कोटी का स्टाइल है। नाइनेंस फाइनेंस कंपनी की जिम्मेदारी को मैंने संभाल लिया, इसके साथ तुम्हें भी। ऐसे ही एक एग्रीमेंट पे तुमने दस्तखत किए। मैंने उसी दिन कहा था ना, पैसों से ज्यादा दिमाग से दुश्मन को जीतने की कोशिश करो। सही है, मान रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम इतने में ही जीत गए हो। मेरी जीत की लिस्ट सारे सूरत के लोग जानते हैं और यहाँ मेरा राज है। चुपचाप घर में एक कोने में पड़े रहने की उम्र में ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो ऊपर जाके खुद तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। शिवाजी प्लीज, शिवाजी मेरी बात सुनो। मेरे मूसा भाई के उम्र वाले हो इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की ना तो भगवान परम शिवम की कसम आड़ा टेढ़ा बना दूंगा, समझ गए? अभी एक दिन और आराम कर लो, पुलिस कंप्लेंट फायदा नहीं होगा। हाँ, मूसा भाई को बुला कर लाऊं क्या? पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे, है ना? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? जो हुआ सो हुआ, अब पुलिस केस की वजह से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। ऐसे ही चुप रहेंगे? कोई जबरदस्ती कुछ करवाएगा और करते रहेंगे? पता लगाना होगा कि वो कौन है। पता लगाने गए तो फिर मुझे पुराना काम शुरू करना पड़ेगा। अभी तो तुमने कहा कि ये सब छोड़ दो। खुद को बचाने के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। मार का जवाब मार होता है।
नमस्कार। इतना लेट क्यों आए हो? अपने जिला सेक्रेटरी का वेट कर रहा था, बाद में उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि किसी अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं, नहीं आ सकते हैं। अच्छा। आपकी पोती की जन्मदिन की पार्टी में मैं नहीं आया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू रास्कल, बिन बुलाए पार्टी में तुम क्यों आयो? ये इज्जतदार लोगों की पार्टी है, अगर कुछ गड़बड़ की तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कॉलेज के लड़कों के साथ स्टार होटल में जाकर लार्ज पे लार्ज पीकर होश भूलकर रात बिताने वाली तेरी पत्नी के स्टेटस की छाव में जीने वाले तुम अपने आप को इज्जतदार कहते हो? छोटा भाई की पोती के जन्मदिन पर एक बहुत बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो कोटा भाई आपका तोहफा। लो। बाप पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की रे तूने? मैं अजय राज कोटा का बेटा हूँ, मेरे होते हुए तू मेरे बाप पे हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये तेरी तरह जिम जाकर लोहा उठाकर बनाई हुई बॉडी नहीं है, इलाहाबाद की मार्केट में वजनदार बोरियां उठा के बनाया हुआ शरीर है। मैंने अगर एक दे दिया ना तो अपने बाप से पहले ऊपर चले जाएगा, देखना चाहेगा? तो गाँव के लेबरों से जैसे बात करता है वैसे बात मुझसे मत कर, मेरे बारे में तू जानता नहीं। जानता हूँ अच्छी तरह से, तेरे बाप ने तुझे बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए दिल्ली भेजा था, वहाँ से तुम यहाँ लैंड होते ही मैं समझ गया मेरा नेक्स्ट टारगेट आइस फ्रूट। हमारे जैसे लोगों को मैनेज करने के लिए तुम्हारा सीखा हुआ बिजनेस मैनेजमेंट नहीं चलेगा, फिर कभी मुझसे ऐसे उलझना। तो स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो, मेरे बाप का अपमान करने के बाद भी तुम मुझसे बच जाओगे ऐसा मत समझना, याद रखना। हमें उसको खत्म करना चाहिए कोटा भाई, राजनीति की तरफ से किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं पूरी तरह से करूंगा। शकील को बुलाएं तो कैसा रहेगा? किसे? मुंबई से छोटा शकील को। अरे क्या शकील की बातें करता है, जब बीच बाजार में तेरी गाड़ी सीज हो गई थी तो उस वक्त कहां गए थे तेरे सारे लोग? जो मुंह में आ गया बकवास करने लग गया तू। ये तेरी पब्लिक असेंबली नहीं है कि जहां पे तू खड़ा होकर भाषण दिए जा रहा है? उसका तो मैं कोटेशन करूं, मैं उसी दिन कह रहा था पांड्या पे यकीन मत करो। भाई एक बार गलती हुई तो उसको कम मत समझो, कैसे भी करके वो शिवाजी को खत्म करके ही रहेगा। देखो तुम उस पांडे की तारीफ मत करो, कानून का खिलाड़ी एक बड़ा क्रिमिनल लॉयर, सिटी पे राज करने वाला सेशन कमिश्नर, अरे क्या फायदा है तुम्हारा लॉयर और कमिश्नर होने का? अरे वो मेरे बाप को भी अकल नहीं है। तुम सबने मिलकर वो बंगले की डील की तुझे कितने दिन हो गए? उस बूढ़े और बूढ़ी को एक मामूली लड़की जिसकी कोई शख्सियत नहीं वो मदद कर रही है, एक टपरी को उसके गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों में? अब आकर बेमतलब की मुझे सलाह दे रहे हो, अकल नहीं है तुम लोगों को? तुम्हारे हिसाब से इतना आसान नहीं है, शिवाजी के बारे में मुझे पता है, वो खून का बदला खून लिए बिना नहीं छोड़ेगा। अपने को शेर समझने वाला एक कमिश्नर एक मामूली टपोरी से डर गया। एक बात याद रखिए आप लोग, मिनिस्टर का पीए से लोकल सेक्रेटरी बनने का खर्चा कितने लाख आते हैं आप लोगों को मालूम है? उसने मुझे डराने के लिए मेरे दोस्तों के सामने मेरे बाप की बेइज्जती की, वो मेरे लिए मरने के बराबर है। एक आइडिया है,
अपने बाप के नाम की जायदाद बेचने के लिए गए रविशंकर को शिवाजी ने मारने की कोशिश की इल्जाम लगाकर गुंडा एक्ट के तहत एक केस। फिर वो बाहर की दुनिया थोड़े दिन के लिए नहीं देख सकता। मल्लिका को खत्म। उधर जाओ ढूंढो उसे। सर कहाँ है वो? सच बताओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तेरी एक्टिंग किसी सीरियल में काम आएगी, वो तेरा क्या लगता है बता? मिला वो? घर बंद है सर। अंदर जाके देखो जाओ। कहाँ है वो? उसे कहाँ छुपा कर रखा है बता बता। सर अब तमीज से बात करिए ना। तमीज और तेरे साथ? आड़े टेढ़े लोगों को घर भाड़े पर देती हो और इज्जत की बात करती हो तुम? बता कहाँ है वो? सच बता, रविशंकर को मारने के लिए तुमने शिवाजी को अपने घर पर रखा है ना? बोल बोल। साहब हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में। साहब ए बुढ़िए ये नहीं देखूंगा, एक छापड़ मारूंगा मर जाएगी। वो तो घर में किराए से रहता है साहब, आपको भरोसा नहीं है तो एग्रीमेंट पेपर देख लो। पेपर वेपर देखने की मुझे जरूरत नहीं है बुढ़िया। और सुन वो कहाँ आई है मुझे बता। हमें पता नहीं है सर। बुढ़े साले शमशान जाने की उम्र में झूठ बोलता है साले। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो तुम सबको अंदर कर दूंगा समझे? इन्हें छोड़ दीजिए। बढ़िया छुड़ाने वाली है। अरे बोला ना। कभी अभी आना था। हाँ बोलो क्या है? मुझे तुम ही चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ तेरा यम शिवाजी। अरे कमीने, वहाँ तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मैंने सोचा कि तुम मुझे ढूंढते हो वहाँ हुए, इसलिए मैंने एक जाल फेंका। उन्हें तकलीफ दिए बिना इज्जत से वहाँ से चले जाओगे। आवाज बिल्कुल मत करो, तेरी बीवी अभी सेफ है। तुम ज्यादा समय वहीं रहोगे तो मेरा दिल भी मनचला हो जाएगा। शराफत से वहां से चले जाने को कहो। सुनिए सुनिए प्लीज, मुझे इनसे बचाइए। अरे 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 बाप, क्या फैसला किया? तुम तो कहोगे मैं करूंगा, प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। तुम्हारे यहाँ आने तक मैं यहाँ रहूंगा। अगर तूने हरामी विलन दिमाग चलाया तो तेरी बीवी से तू मिल नहीं सकेगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके जीप पे बैठो। दादी मल्लिका। सुनिए क्या ये मीटिंग जरूरी है? जरूरी है, सारी बातें आराम से करेंगे और समस्या का हल निकालेंगे। बिना केस और लफड़े के इनका घर वापस दिलाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ जाओ, तुम ही जाओ। रहीम से खबर भेजकर आपको बुलाया तो सच कहूं तो आप आएंगे नहीं ऐसा समझा था। थैंक्स। रविशंकर ने गलत किया, थोड़ी गलती मैंने भी की, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सूरत में आपकी इतनी कीमती जायदाद है, फिर ये सब लफड़ों में क्यों पड़ रहे हैं आप? गरीबी में जीने की क्या जरूरत है? सिटी से थोड़ी दूरी पर एक अच्छा घर ले सकती हैं आप,
आप अपना वो घर छोड़ दो। सुखी जीवन जीने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना मैं दूंगा। आपके घर की जगह पर जो प्रोजेक्ट मैं शुरू करने वाला हूं उस पर मैंने लाखों लगाए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को रोकना मेरे बस के बाहर है और ये मेरा अपमान है। नू, आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम वो घर खाली नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी, तुम्हारी बहन की इंजीनियरिंग में एडमिशन, ये सब के लिए पैसा चाहिए। हमेशा दादा दादी नहीं रहेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कानून के हिसाब से रविशंकर को मिलेगा वो घर। दूसरा रास्ता मुझे पता है, फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज वही चाहता हूं मैं। शाम तक पॉजिटिव कॉल की उम्मीद करूंगा। वही तो। अजय का कहना सही है, अच्छा मौका है, खोना मत मलिका। नहीं, वो घर मेरी माँ की आखिरी निशानी है और जब तक मैं जिंदा हूँ उस घर को नहीं बेचने दूंगी। एक बात कहूँ आपसे, आपके आने के बाद सोचा था कि ये घर बच जाएगा, लेकिन दर्द देने के लिए नहीं कहा, भरोसा मत छोड़ो, वो घर तुम्हारा ही रहेगा। तरसता है मन, है भीगा बदन, धड़ के जिया लगी है अगन, आकर ले मिलन ओ साथिया। बरसात के मौसम में जगती है दिल में अरमान, खुद भी नहीं काबू, बड़ी मुश्किल में है जान। तू इस कदर समा जा मुझ में, दो जिस्म एक जान। तरसता है मन, है भीगा बदन, धड़के जिया लगी है लगन, आकर ले मिलन ओ साथिया। चाहत है तेरी, तू ही मेरी जान, तू ही अरमान, तेरे बिन जाऊं कहां। सांसों में है तू ही तू, आंखों में है तू ही तू, जीना है समा, प्यार है जवां, छाई है मस्तियां। तरसता है मन, है भीगा बदन, धड़के जिया लगी है अगन, अकर ले मिलन ओ साथिया। लगा लूं अपना मैं तुझे बना लूं,
लगी है लगन कुछ नागन बिन तेरे जाने मन। दुनिया को बुला के तू मुझ में समा जा, तू ही मन से तू ही महफिल तू ही मेरी दुनिया। तरसता है मन है भीगा बदन धड़के जिया, लगी है अगन आकर ले मिलन ओ साथिया। बरसात के मौसम में जगते है दिल में अरमां, है खुद पे नहीं काबू बड़े मुश्किल में है जान। तू इस कदर समा जा मुझ में दो जिस्म एक जान। तरसता है मन है भीगा बदन धड़के जिया, लगी है अगन आकर ले मिलन ओ साथिया। ना 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 ना। कब से वेट कर रहा हूँ। अरे टाइम है ना, क्यों ऐसे ही वेट करने के लिए। ए क्या बात है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शादी के लायक सुशीला की दो बेटियाँ हैं। भाई ने आकर उन्हें पैसों की लालच दिखाई और उन्होंने अपनी कंपनी उनके नाम कर दी। ये सब बीता हुआ कल है, अब क्या प्रॉब्लम है। मैंने भाई की कंपनी से रिजाइन कर लिया है। सच कहूँ तो मैडम की कंपनी बेचते ही मुझे भी आपकी तरह रिजाइन कर देना चाहिए था। यही मेरी गलती है। आपको शहर में लाने वाला और आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने एक प्लान बनाया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में आगे बढ़ें। मेरे और चरस डीलर कृष्णकांत के डील के हिसाब से मेरे दोस्त के गोडाउन में थोड़ा चरस आया हुआ है। उसे पूना के गणपत राव के पास पहुँचाना है मुझे। एक ट्रिप के मैं तुम्हें 25,000 रुपये दूंगा। इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मैं कोई उल्टा सीधा धंधा नहीं करूंगा। ब्रह्मा चलो चले। भाई वो शिवाजी गए तो मुंबई जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। कुछ भी हो हमें चाहिए पैसे। एक ट्रिप मारा तो पूरे के पूरे 25,000 रुपये जेब में आएंगे। हाथ आई लक्ष्मी को लात मत मार शिवाजी। मूसा भाई की तमन्ना को पूरा करना है कि नहीं, हमें बड़ा आदमी बनना है कि नहीं, ये मत भूलो तुम। इस काम के सारे पैसे पहले ही देने पड़ेंगे। ठीक है देता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे तो काफी है। A call for you. Thank you. हेलो। निकल चुका है। उसका गाड़ी नंबर GJ01L5364। थैंक्स। हेलो We'll be right back.
अरे आओ। मंदिर का नाम लेकर यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हमको एक आदमी से मिलना है, बाद में मंदिर जाएंगे, ठीक है? आओ चलो। क्या हुआ? मामा, मम्मी, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ कैसे? अभी तक इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी कुछ ना हो वो सब तुम्हारे हाथ में। आखिर हमें यहाँ क्यों लाए हो? आपकी कोई गलती नहीं है माँ जी, मैंने आपके बेटे की बात पे भरोसा करके मैंने सारे पैसे आगे पीछे सोचे बिना आपके घर को खरीदने के लिए उसको गिन करके दिए। देखिए मेरी गलती है क्या? वकील वो कागजात यहाँ लाओ। भाई सही कह रहे हैं, वो घर इनको बेचकर मैंने इनसे ढेर सारे पैसे लिए हैं। तुम्हें उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे बाप की जायदाद है, मेरा पूरा अधिकार है। मैं किसी को दान दे दूंगी पर तुम्हें नहीं दूंगी। बुढ़ापे में एक ग्लास पानी चाहिए तो यही बेटा देगा तुम्हें? मेरा फैसला नहीं बदलेगा। घर लिख के नहीं दिया तो आपको यही खत्म करेगा। एग्रीमेंट गलत हुआ तो इससे मैं खत्म कर दूंगा। एक पुराने घर के लिए दो जान निकालना जरूरी है क्या? हाँ? नहीं, साइन मत करना। बहुत नाटक हो गया तेरा। अब चुपचाप अपने माँ को बोल कि साइन करे। मैं ज्यादा नाटक बर्दाश्त नहीं करूंगा। साइन करने बोल उसको। बोलती कि नहीं, चल साइन करवा। बोल उसको। बोल, साइन करने को बोल। बोल। चल साइन कर लिया। सुनो मेरे बात कर, बोलाना तेरे को। हो गया काम। चलो छोड़ो। हम सभी के एक होने से वो करोड़ों की कीमत वाली जायदाद हमारी हो गई है, इसलिए आज हम सब पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उस शिवाजी के आने से पहले उस घर की पूरी जमीन हमारी हो जानी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा क्लियर। अब दूसरा कार्यक्रम पूरा करके आपकी तरफ से भी क्लियर हो तो। तेरा हिसाब तो कब का पूरा करना चाहा? सारे काम क्लियर होने के लिए इतने दिन हो गए। चंद्रा वो यहां ला। बेचे हुए घर के पूरे पैसे लेने के बाद वहाँ शुरू करने वाले बिजनेस में मैं तुम्हें पार्टनरशिप भी दूं क्या? इसका दिमाग बहुत चलता है। अपने फायदे के लिए जो इंसान अपनी सगी माँ को भी धोखा दे सकता है उसको मैं पार्टनरशिप दूंगा तो कल के दिन तो तू मुझे भी धोखा दे सकता है। तेरे पे क्या भरोसा करना? ये धोखा है। धोखा ही है, धोखा है।
इसलिए हम दोनों में से कोई एक बचेगा तो ही ठीक रहेगा। क्या कर रहे हो? धोखा देते हो, मेरी जायदाद हड़प ली तुमने। मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहत में गिरने की वजह से तुम भड़क रहे हो, मुझ पर पता है। तेरी वजह से उड़ने वाली उस लड़की का परिवार रास्ते पर आ गया है। उनका घर आज खत्म, उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे तुम्हें भी खत्म करने का भाई का ऑर्डर। अब भाई का ऑर्डर तो हमें मानना ही होगा। अगर इज्जत से नहीं गए तो मार डालूंगा। खड़ी खोल दो। हाँ डालूंगा, समझे? Thank you.
अपने बेटे को अपने हाथ से ही खत्म कर दिया भाई। तेरे किए हुए माँ पापा की सजा तेरे बेटे को मिली है। अब अपनी सारी जिंदगी सेंट्रल जेल में तड़प तड़प कर रोते हुए गुजार। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी तेरी। मरे हुए मेरे बेटे की लाश के साथ मैं तुझे भी लाश बना करके यहाँ से जाऊंगा। अरे पागल कहीं के, तेरे लिए यमराज हूँ समझे? अब यमलोक में पाचल करूंगा। मैं मर्द हूँ, तुझ जैसे हिजड़े से नहीं लड़ूंगा। मैं गीदड़ नहीं, मैं शेर हूँ। लगा आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ से बंगला चले जाएगा। ये लीजिए आउट हाउस की चाबियां। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ओनली फैमिली। वो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, गांव वालों को पता चल जाएगा। जब तुम्हें पता चल जाएगा कब तक ये फैमिली बैचलर रहने का प्लान। अटेंशन प्लीज, आपकी फैमिली प्लानिंग के भरोसे बैठे हैं तो प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी, इसलिए ये बैचलर्स फैमिली बनाना है मेरा प्लान।